नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ चंद्र ग्रहण के बारे में। 2024 में कुल कितने चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं, यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा, इसका सूतक काल भारत में मान्य होगा या नहीं होगा, यह सब जानकारी हम आप सभी को इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप सभी को हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सभी हमारे नए नए वीडियो को सबसे पहले और आसानी से देख सकें। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। ग्रहण एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट यानी खगोलीय घटना है जो विज्ञान और धर्म के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात चंद्र ग्रहण की करें तो चंद्र ग्रहण एक ऐसी खगोलीय स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी परछाया में आ जाता है। ऐसा तभी संभव हो पाता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा लगभग एक सीधी रेखा में आ जाएं। वहीं धार्मिक पौराणिक मान्यताओं में राहु केतु से जोड़कर देखा जाता है और माना जाता है ग्रहण का असर आप लोगों के राशि पर पड़ता है, क्योंकि लोगों के जीवन पर अच्छा या बुरा प्रभाव डाल सकता है। आइए अब नए साल 2024 में दो बार चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। टाइम और डेट .com से मिली जानकारी के अनुसार इस साल दो चंद्र ग्रहण लगने वाला है। पहला मार्च और दूसरा सितंबर के महीने में लगेगा। पंचांग के अनुसार देखा जाए तो पहला चंद्र ग्रहण फागुन पूर्णिमा के दिन लगने वाला है। यहाँ ये भी बता दें चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा तिथि पर ही लगता है। धार्मिक दृष्टि से ग्रहण का सूतक काल भी बहुत मायने रखा जाता है। बता दे कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। अगर आप सूतक से जुड़े नियम जानते हैं तो आपको यह पता ही होगा कि सूतक काल के दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके अलावा खाना खाना, पानी पीना, सोना या कोई मांगलिक कार्य की मनाही हो जाती है। इसके साथ ही सूतक और ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं, बुजुर्गों और छोटे बच्चों का विशेष ख्याल रखा जाता है। इसके भी वैज्ञानिक और धार्मिक कारण बताए जाते हैं। आइए जानते हैं कि इस साल पहला चंद्र ग्रहण कब लगेगा, सूतक काल के बारे में जानेंगे, कब लगेगा चंद्र ग्रहण। तिरुपति के ज्योतिष आचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव के अनुसार साल 2024 में पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लगने वाला है। इस दिन सोमवार है। पंचांग पर नजर डालें तो उस दिन फागुन मास का पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। बताया जा रहा है कि इस तारीख पर चंद्र उदय शाम 6:44 पर होगा। अब बात ग्रहण और सूतक समय की, ज्योतिष आचार्य का कहना है कि 25 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। हालांकि यह जानकारी है कि चंद्र ग्रहण की उपछाया का पहला स्पर्श 25 मार्च 2024 की सुबह 10:24 पर और अंतिम स्पर्श 3:01 पर होगा। इसका कुल समय 4:36 रहेगा। ज्योतिष आचार्य का कहना है कि परम ग्रास चंद्र ग्रहण 12:43 पर होने वाला है। अब जैसा कि आप जान चुके हैं कि भारत में यह चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा, ऐसे में यहां सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। यह चंद्र ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा? ग्रहण इस साल का पहला चंद्र ग्रहण यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में, नॉर्थ और ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के ज्यादातर हिस्सों में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, प्रशांत अंटार्कटिका, आर्कटिक और अंटार्कटिक के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देने वाला, भारत में ये नहीं दिखाई देने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं। धन्यवाद दोस्तों।